हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोर्स बुक का पार्ट 7 मेरी किताब के कुछ कठिन शब्द बताऊंगी। इस कहानी के अंतर्गत, मेरी किताब एक कहानी है, इस कहानी के अंतर्गत किताब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कठिन शब्द को देखते हैं। सबसे पहला कठिन शब्द है संदेश। संदेश का अर्थ होता है खबर। जैसे कि अगर कोई संदेश भेजना होता है या कोई खबर पहुंचानी होती है कि मैं अच्छा हूँ, यहाँ पर सब कुछ सही है, या कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो पहले ज़माने में चिट्ठी द्वारा संदेश भेजी जाती थी। चिट्ठी द्वारा क्या? खबर भेजी जाती थी। तो संदेश का अर्थ होता है खबर। अगला शब्द है दो नंबर, अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। अगला शब्द है तीन नंबर, ठिठकना। ठिठकना का अर्थ होता है सहम जाना। जैसे कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, किसी से छिपकर कोई काम, जैसे कि आप किसी बुक स्टोर में गए हैं और आपने किसी को जानकारी नहीं दी है कि आप बुक स्टोर में गए हैं, और अचानक वहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स पहुँच जाते हैं या कोई टीचर पहुँच जाते हैं, तो आप क्या होते हैं? ठिठक जाते हैं। आप वहाँ सहम जाते हैं क्योंकि आपने तो उन्हें जानकारी दी नहीं थी कि मैं बुक स्टोर में जा रहा हूँ। तो उस समय आप क्या होते हैं? ठिठक जाते हैं, सहम जाते हैं। ठीक है, तो ठिठकना का अर्थ होता है सहम जाना। अगला शब्द है चार नंबर, बैठक। बैठक का अर्थ होता है बैठने का कमरा। जैसे कि जब बहुत सारे सदस्य एक रूम में, एक कमरा में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या होती है? वो बैठक कहलाती है। तो बैठक का अर्थ होता है बैठने का कमरा, ऐसा कमरा जिसमें कि सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं। अगला शब्द है पाँच नंबर, फाड़ना। फाड़ना का अर्थ होता है टुकड़े करना। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर कोई बुक फट जाता है, तो क्या होता है? वो बुक का जो बुक जब बुक का एक पेज फटता है, तो क्या होता है? बुक का जो एक पेज होता है वो दो टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, तो फाड़ना का अर्थ होता है टुकड़े करना। अगला शब्द है छः नंबर, घबराना। घबराना का अर्थ होता है डरना। ठीक है, घबराना का अर्थ होता है डरना। जैसे कि अगर अचानक से कोई बड़ा सा जानवर, हाथी या ऊंट, अगर सामने आ जाता है, तो कभी कभी छोटे बच्चे क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, उसे देखकर क्या होते हैं? डर जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है सात नंबर, सुझाव। सुझाव का अर्थ होता है सलाह। ठीक है, जैसे कि अगर कोई परेशानी में रहता है या अगर उसको आपकी कोई मदद की ज़रूरत होती है, तो आपसे वो क्या मांगता है? सुझाव मांगता है कि कोई मुझे सुझाव दो, यानी कि कोई मुझे सलाह दो कि मैं ये इस काम को कर सकूं अच्छे से। ठीक है, अगला शब्द है आठ नंबर, तस्वीर। तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। बच्चों, किताब में आपने बहुत सारी ही तस्वीर देखते हैं, बहुत तस्वीर होती है, तो तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। बहुत सारे चित्रों के द्वारा आपको किताब में समझाया जाता है। ठीक है, तो तस्वीर का अर्थ होता है चित्र। अगला शब्द है नौ नंबर, फैसला। फैसला का अर्थ होता है निर्णय। जैसे कि फैसला लिया जाता है ना, तो क्या होता है? फैसला का अर्थ होता है निर्णय। तो आपका कठिन शब्द पूरा हुआ, और आपका होमवर्क है इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। बच्चों, आपका होमवर्क क्या है? इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।